हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गणित, और इसमें प्रश्नावली रहेगी 12.1। तो इसके हमने 6 प्रश्न जो हैं पहली वीडियो में कर लिए थे, इसे आगे करेंगे हम। तो यदि आपने पिछले क्वेश्चन नहीं किए तो इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, इसमें बोला है कि अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में जो ए पार्ट है ये कर रहे हैं हमें अभी। तो इसमें 30 मिनट और 1.5 घंटे का अनुपात निकालना है। तो हमने लिखा है यहाँ ए पार्ट में 30 मिनट हमने लिख लिए हैं और 1.5 आवर, एम हमने मिनट लिखा है, एच लिखा है आवर। आवर का मतलब घंटे, एम का मतलब मिनट। तो 30 मिनट, अब जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो ये मिनट है और ये घंटे, तो ये हमने सेम करने हैं, बराबर करने हैं। चाहे तो मिनट बना लें दोनों के, चाहे घंटे बना लें, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे। जैसे ये मिनट है और ये घंटे हैं तो ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो जब भी हमने अनुपात निकालना है तो हमने क्या करना है बच्चों, दोनों को सेम बनाना है। तो हमने देखिए यहाँ पे मिनट दिए गए थे और यहाँ पे आवर थे, तो हमने इसके भी, अब 1.5 घंटा है, 1 घंटा और आधा घंटा होता है 1.5 घंटा। तो 1 घंटे में जो होते हैं 60 मिनट होते हैं, आधे घंटे में 30, तो टोटल हो गए ये 90 मिनट। ठीक है, तो 1.5 घंटे में कितने मिनट हो जाते हैं, 90 मिनट हो जाते हैं। तो अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकाल लेंगे, अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, 30 मिनट और 90 मिनट का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 3 एकम 3 होता है, 3 3 9 होते हैं। तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा बच्चों, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट हो चुका है। तो अब हम पार्ट बी करेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट कर लेते हैं अब हम। तो चलिए करते हैं पार्ट बी। तो इसमें पार्ट बी में क्या है बच्चों, देखिए इसने बोला है कि 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, इनमें अनुपात हमने निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं मीटर। तो मैंने आपको बोला है सबसे पहले दोनों को बराबर करना है, सेम करना है। दोनों राशियों की इकाई सेम होनी चाहिए, चाहे तो दोनों सेंटीमीटर में हो चाहे दोनों मीटर में हो। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है हमने पहले। ठीक है, तो ये देखिए 40 सेंटीमीटर हमने ऐसे लिख लिया है, सी एम का मतलब सेंटीमीटर, और ये 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर का मतलब है 1 मीटर और आधा मीटर। तो 1 मीटर में तो होते हैं 100 सेंटीमीटर बच्चों, और आधे मीटर में होते हैं 50 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 150 सेंटीमीटर हो गए हैं बच्चों। ठीक है, 1.5 मीटर में कितने होते हैं, 1.150 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात क्या आएगा इनका, 40/150 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो ये दोनों सेम क्यों होने चाहिए, क्योंकि जैसे ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए ये सेम होने चाहिए, तभी ये कैंसिल होते हैं, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा बच्चों, अब ये 4 और 15 बचे हैं, यहाँ पे 4 बचा है और 15 बचे हैं। तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आए। तो अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा इधर, तो ये आ जाएगा 4:15 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस आंसर का। तो अब हम
से ही पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में ये क्या क्या रहा है, इसमें हमने 50 पैसे 55 पैसे को 1 रुपये के अनुपात देखना है भी, 55 पैसे और 1 रुपये में कितना अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, 55 पैसे और 1 रुपया, तो 55 पैसे तो पैसे ही हैं, रुपये को भी हमने पैसे में बदलना है, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने इसको 100 पैसे कर दिया, तो अनुपात आ जाएगा आपके पास 55/100, 55 पैसे और 100 पैसे, तो ये दोनों 5 के टेबल में कट जाएंगे, तो 55 काट के जो होता है 11 आ जाएगा, और ये 5 पे कटेगा जो, तो ये 20 आ जाएगा नीचे, तो अनुपात आपका आंसर जो है ये आ जाएगा बच्चों 11:20, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये 11:20 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, 2 लीटर को ये डी पार्ट में 2 लीटर जो हैं 2000 लीटर हो जाएंगे, तो 500/2000 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 कट जाएगा, 500 जैसे ये 500/2000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 जीरो, तो दोनों जीरो कट जाएंगी, और ये 5/20 रह जाएगा, तो ये 5 रह जाएगा, 5 × 5 5×20, तो इसका अनुपात आ जाएगा आपके पास 1:4 आ जाएगा बट्टू, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जो डी पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, सीमा जो है 1 साल में 150,000 रुपये कमाती है और ये 50,000 रुपये की बचत करती है, तो ये हमने अनुपात निकालना है। ए पार्ट में क्या कहा इसने कि सीमा द्वारा किया गया व्यय, व्यय का मतलब खर्च, और उसकी बचत का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये लिखा हमने सीमा की आय, यानी सीमा की आय कितनी है, 150,000 रुपये जो ये ऊपर दी गई है, ठीक है। फिर हमने बचत लिख दी है, बचत कितनी, 50,000 रुपये की बचत करती है वो, तो हमने ये 50,000 रुपये लिख दिए। फिर हमने खर्च निकाला है, क्योंकि वो 150,000 रुपये तो कमाती है, ठीक है, और वो 50,000 रुपये उनमें से बचाती है, तो खर्च कितने करती है, तो वो 1 लाख रुपये वो खर्च कर देती है, तो इसका खर्च या व्यय, व्यय व्यय का मतलब होता है खर्च, तो हमने इसलिए खर्च निकालना पड़ेगा इसका। तो ए पार्ट में क्या है, ये अनुपात किस किस का अनुपात है, एक तो व्यय का है, व्यय का मतलब खर्च का अनुपात 1 लाख रुपये है, और बचत नीचे आ जाएगी 50,000 रुपये, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, फिर दूसरी 0 से दूसरी 0 कैंसिल, तीसरी से तीसरी कैंसिल, चौथी से चौथी कैंसिल, तो ये 10/5 रह गया है, तो 5 के टेबल में 10 कट जाता है 2 पे, तो ये आ जाएगा 2:1, क्या आ जाएगा आंसर, 2:1 जो है आपके पास आंसर आ गया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है जो, इसका ये कर लेते हैं अब हम। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये इसका आंसर क्या आया था ऊपर, इसका आंसर आया था 2:1, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में देखिए, अब ये कह रहा है कि बचत का, बचत अब हमने पहले तो नीचे लिखी थी, अब बचत ऊपर लिखनी है, तो बचत ऊपर खर्च नीचे, यानी व्यय नीचे है, तो इसने लिखा है ना कि जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर बी पार्ट में देखिए, बचत और उसके द्वारा व्यय का अनुपात निकालना है हमने, यानी पहले बचत लिखनी है 50,000 रुपये ऊपर लिखना है, खर्च लिखना है 1 लाख रुपये नीचे, तो यही 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 4 जीरो इसकी भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब रह गया 5/10, तो 5×5 आ जाएगा और 5×2=10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1:2, क्या आएगा, 1:2 इसका आंसर आएगा, तो इसका 2:1 था, तो ये आपने कर लेना है।
पेपर पे या अपनी कॉपी पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 में, कि एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। यानी हमने शिक्षकों की संख्या जो है वो पहले लिख लेनी है, ऊपर लिखनी है, और विद्यार्थियों की संख्या नीचे लिखनी है। तो हमने लिख लिया जैसे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 3300, और शिक्षकों की संख्या 102 दी गई है। तो हमने अनुपात निकाला है, शिक्षक ऊपर लिख लिया और विद्यार्थी नीचे लिख लिए। तो शिक्षक कितने हैं, 102 हैं बच्चों, और विद्यार्थी 3300 हैं। तो 102 बटे 3300 हमने लिख लिया है ये। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, तो ये 2 पे कट हो जाएगा जैसे, तो ये आ जाएगा आपके पास 51। 51 दूनी जो होते हैं 102 होते हैं, यानी 51 को 2 से गुणा करेंगे तो 102 आता है। और इसको जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 1650 आ जाएगा बच्चों, 1650 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 से शायद दोनों कट जाएं, तो 3 पे आ जाएगा 17, तो ये 51 होते हैं, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा 51 को काट के। और ये 1650 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 पंजे 15 आ जाएंगे, और 3 पंजे 15 आ जाएंगे, और ये 0, यानी 550 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे 17 के टेबल पे 17 51 और 17, तो ये आगे नहीं जाएगा बच्चों, तो ये अनुपात आ जाएगा आपके पास। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 17 अनुपात 550। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 550। ठीक है, 17 अनुपात 550 आपका ये आंसर है बच्चों। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आगे है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, 4320, और उनमें से 2300 लड़कियां हैं। कितनी, 2300, 2300 लड़कियां हैं। तो अनुपात निकालना है हमने, किस किस का अनुपात निकालना है बच्चों, देखिए एक तो है लड़कियों की संख्या का और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो हमारे पास ये ए पार्ट जो है ये आ जाएगा। हमने देखो कुल विद्यार्थी जो हैं ये लिख लिए हैं, 4320 विद्यार्थी दिए गए हैं, इनमें से लड़कियां यानी जी गर्ल्स हैं 2300, और तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 2020। जब 4320 में से हम किसको, 4320 में से कितना घटा देंगे, 2300 घटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा दो बॉयज़ 2020। ठीक है, तो ये घटा के आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर ये क्वेश्चन ए में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है 2300। ठीक है, 2300 लड़कियों की संख्या है जो हमने ये लिखा है, और उसके बाद जो है कुल विद्यार्थी 4300 हैं, तो हमने ये नीचे लिख दी है, ऊपर लड़कियों की संख्या लिख दी। दोनों को कट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 2 पे कट हो जाएंगे दोनों ये, तो इनका अनुपात आ जाएगा 115/216, तो ये आ जाएगा। इसको देख लेना, आगे कट होता है तो कट कर देना, नहीं तो ऐसे ही लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद बी पार्ट में ये कह रहा है, देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या ऊपर लिखनी है, लड़कियों की नीचे लिखनी है। तो लड़कों की संख्या हमारे पास 2020 है, तो हमने यहाँ लिख दी 2020। ठीक है, और ये लिख दिए हमने, क्या लिख दिया है,
लड़कियों की संख्या, ऊपर लड़कों की संख्या है और नीचे, ये तो हमें हमारे पास लड़कों की संख्या है ठीक है, और ये नीचे लड़कियों की संख्या है, तो दोनों को हमने लिख दिया है। तो फिर हम इसको कट कर देते हैं। अब तो कट कैसे करेंगे, 0 से 0 कट कर देते हैं ठीक है, 0 से 0 कट कर देते हैं। अब ये 2 पे कट हो जाएगा तो ऊपर 101 आएगा, नीचे 115 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 101, 101 बटे 115 ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी का आंसर। फिर सी वाले पार्ट पे चलते हैं, इसको अनुपात में आप लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख दो चाहे अनुपात में लिख देना ठीक है। फिर सी पार्ट में कह रहा है कि ये लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, तो ये लड़कों की संख्या है, ये कुल विद्यार्थी हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 101, क्या आ जाएगा 101 बटे 100, ये सॉरी 216 ठीक है, 101 बटे 216 आपका आंसर आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा बच्चों, तो ये आपने कर लेना है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं ठीक है, उसमें से 750 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं ठीक है, बास्केटबॉल यानी मैंने बास्केटबॉल को बी से लिख दिया है, और ये कितने बच्चे हैं, 750 बच्चे हैं ठीक। फिर ये कह रहा है कि 800 बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने क्रिकेट को सी से लिख दिया, सी को 800 लिख दिया, 800 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ठीक है, तो और शेष टेबल टेनिस खेलते हैं, तो शेष टेबल टेनिस को मैंने टी से लिख दिया, तो शेष आ जाएंगे 250 यानी 250, तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे ना तो ये 1800 विद्यार्थी होने चाहिए, तो टोटल होना चाहिए 1800 ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएंगे 250 विद्यार्थी जो हैं टेनिस के हैं। अब ए पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि ये बास्केटबॉल और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात निकालना है, तो बास्केटबॉल को बी से लिख दिया, टेबल टेनिस को टी से लिख दिया, बास्केटबॉल के 750 विद्यार्थी हैं और टेबल टेनिस के 250 विद्यार्थी हैं बच्चों, तो जब हम इनको कट करते हैं ना तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 25 से 75 होते हैं, कितने होते हैं 75, तो ये आपके पास 3:1 का आंसर आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3:1, 25 तिए 75, 25 एकम 25, क्योंकि ये 25 1 आ जाएगा, 25 तिए 75, 3 ऊपर आ जाएगा ठीक है, तो ये 3 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, तो 3:1 आ जाएगा बच्चों। अब बी पार्ट हम कर लेते हैं, बी पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, तो बी पार्ट में हमने क्या करना है देखिए, तो ये कह रहा है कि बी पार्ट में कि आपके पास क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात निकालना है, तो क्रिकेट का मतलब सी और बी बास्केटबॉल है ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले 800 बच्चे हैं और बास्केटबॉल 750 बच्चे खेलते हैं, तो हम इनको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब ये 5 पे कट हो जाएगा दोनों, 16 पंजे 80 होते हैं बच्चों और 15 पंजे 75 होते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 16:15 आ जाएगा ठीक है। फिर सी पार्ट में देख लेते हैं, सी में क्या कहता है ये कि बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थी, तो बास्केटबॉल ये बी हो गया, आल हो गया सभी विद्यार्थी, तो ये हो गया आपके पास 750 विद्यार्थी बास्केटबॉल खेलते हैं, सभी विद्यार्थी 1800 हैं पूरे स्कूल में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब ये 75 और ये हम 180, तो 75 जो है दोनों 15 पे कट जाएंगे बच्चों, ये जब 15 को 75 से भाग दे, 75 को ना 15 से भाग देंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है, और जब हम 180 को
15 से भाग देते हैं तो 12 आता है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा नीचे 5:12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपके आ गए हैं, पहले का ये आ जाएगा, दूसरे का ये आ जाएगा, तीसरे का ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ये एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। एक दर्जन का मतलब होता है बच्चों 12 पेन, तो 12 पेन का मूल्य जो है 180 रुपये कहा इसने, तो मैंने लिखा है कि 12 पेन का मूल्य 180 रुपये ये लिख दिया है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है, तो मैंने फिर ये 8 बॉल पेन का मूल्य यहाँ 56 रुपये लिख दिया। फिर ये कह रहा है पेन के मूल्य का और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे हमने लिखा पहले क्या लिखा है बच्चों कि हमारे पास है, ये लिख दिया जैसे 12 पेनों का मूल्य है जो, यानी एक दर्जन पेनों का मूल्य हमने लिख दिया ये 180 रुपये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 180/12 कितना आएगा बच्चों, 180/12। तो जब हम 180 को 12 से कट करते हैं ना तो ये 15 आ जाता है, जब 180 को 12 से भाग देंगे तो 15 रुपये आ जाएगा एक पेन का मूल्य, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 15 रुपये आ जाएगा एक पेन का मूल्य। फिर उसके बाद है आपके पास 8 पेन, 8 पेन का मूल्य, बाल पेन का मूल्य 56 रुपये दिया गया है, तो एक बाल पेन का मूल्य आ जाएगा 7 रुपये बच्चों। ठीक है, तो अनुपात निकालना है हमने किसका, पेन का मूल्य और बाल पेन के मूल्य से, तो पेन का मूल्य जो है 15 रुपये है और बाल पेन 7 रुपये का है, तो 15/7, तो 15/7 आपस में कटेंगे तो है नहीं ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 15:7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ये आपने क्वेश्चन ऐसे कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आगे है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है ये हमने हॉल की चौड़ाई ही दी गई है मीटर में और लंबाई दी गई है मीटर में, तो हमने क्या करना, ये खाली स्थान जो डब्बे दिए गए हैं ये भरने हैं बच्चों। ठीक है, तो हम कैसे भरेंगे, जैसे हम पहले तो ये खाली स्थान भर लेते हैं, तो इसको कैसे भरेंगे, जो इन दोनों को गुणा करके आएगा ना वो इन दोनों को गुणा करके आना चाहिए, तो इन दोनों को गुणा करके देखो, 10 को जब हम गुणा करते हैं 50 से तो आता है 500। ठीक है, तो अब हम 25 को किससे गुणा करें कि हमारे पास आ जाए 500, तो 25 को किससे गुणा करें बच्चों कि 500 आ जाए, तो अगर हम 25 को 20 से गुणा कर देते हैं ना, 25 को किससे गुणा कर देते हैं 20 से, तो ये 500 आ जाता है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ तो आ गया 20, कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा करके थोड़ा लिख देता हूँ, तो ये जो खालिस्तान हमने भरने थे बच्चों देखिए भर दिए हैं, देखो देखो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो 25 है और 25 का दुगना 50 है, ऐसे ही 10 का दुगना जो है 20 हो जाएगा, तो ये 20 इसलिए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे देखो 20 का दुगना जो है 40 हो रहा है, तो वैसे ही 50 का दुगना जो है 100 हो जाएगा, तो ये 20 और 100 आंसर आ जाएंगे बच्चों, तो ये आपने खालिस्तान भर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, ये 14वां क्वेश्चन है आपके पास, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 के अनुपात में हमने बांटना है, तो ये प्रश्न है। तो अब हमारे पास जो है पेन दिए गए हैं 20 और इनको हमने 3:2 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो हम इन्हें लिख लिए कुल पेन कितने हैं 20 हैं,
और अनुपात हमारे पास 3:2 है। तो हम क्या करते हैं, इन 3:2 को जोड़ लेते हैं बच्चों। जब भी हमने अनुपात को में बांटना है किसी वस्तु को, तो अनुपात को जोड़ लेते हैं, यानी 3 जमा 2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा इनका जोड़। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि शिला का कितना भाग है, तो शिला का भाग जो है ये पहला है 3, और संगीता का दूसरा भाग है 2। ठीक है, तो ये शिला और संगीता का भाग हमने देखना है कि 20 पेनों को कितने पेन हम शिला को दें और कितने संगीता को दें कि हमारा अनुपात 3:2 हो जाए। तो हम शिला का भाग निकाल लेते हैं, शिला का भाग आ जाएगा 3 और बटे इन दोनों का जोड़ यानी 5। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 3, और नीचे बटे है दोनों को जोड़ के लिख दिया, गुना 20 करना है। जो ये पेन दिए गए हैं ना, ये गुना करते हैं, यानी जितनी वस्तुएं दी गई है ना कुल, तो वो गुना करनी होती हैं क्योंकि इनको बांटना है हमने इसमें। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5 गुना 20, तो 5 जो है और 20 कट जाएगा ये 4 पे, और 4 को और 3 को गुना करना है, तो ये 12 पेन आ जाएंगे शीला के पास, यानी 20 में से 12 पेन जो है किसको मिलेंगे, शीला को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, 20 में से 12 पेन किसको मिले, शीला को मिल गए। अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसके पेन बच्चों, अब हम निकालेंगे संगीता को कितने पेन मिलेंगे। तो संगीता के भी वही दूसरा 2 जो है पार्ट जो है वो संगीता का है, तो हमने 2 लिख लिया ऊपर, और नीचे टोटल यानी 3 जमा 2 जो किया था ना हमने, 3 जमा 2 बराबर 5, तो ये 5 हम नीचे लिख लेंगे, गुना 20 कर लेंगे, तो 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4, और 4 को और 2 को गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो 8 पेन जो हैं वो संगीता को मिलेंगे और 12 पेन जो हैं वो शीला को मिलेंगे। तो इस तरह से आपने ये प्रश्न कर लेना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम आगे। है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14-15। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये बांटना चाहती है। ठीक है, और वो ने उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। अब श्रेया की आयु तो है 15 साल और भूमिका की आयु है 12 साल। तो पहले हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, आयु का अनुपात। तो ये आ गया जैसे 15:12, तो 15 और 12 को 5, 3 पे काट देते हैं, तो 3 पंजे 15 होते हैं, 3 चौके 12 आ जाते हैं, ये 5:4 अनुपात आ जाएगा। तो इनका योग कर लेते हैं, 5 और 4 का 9 आ जाएगा, ये आगे काम आएगा बच्चों। ठीक है, 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुल रुपये हैं 36, तो श्रेया का भाग आ जाएगा। श्रेया का देखो अनुपात में जो है 5वां भाग है, कितना है ये 5 है, जो ये श्रेया को मिलेगा और ये 4 जो है भूमिका को मिलेगा। तो ये 5 हमने यहाँ लिख दिया, बटे 4 बटे 9 लिख दिया, 9 का मतलब जो दोनों को जोड़ के आया था वो 9 यहाँ पे नीचे लिखना है हमने। ठीक है, 5 बटे 9, श्रेया का भाग है 5 और कुल है 9, और 36 रुपये हमने बांटने हैं, गुना 36 कर दिया, तो इनको काट के ना 9 पे 4 पे कट गया 36, 9 चौके 36 होते हैं, 4 को 5 से गुना करना है, तो ये 20 रुपये आ जाएगा श्रेया का भाग। ठीक है, यानी श्रेया को कितने रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपये मिल जाएंगे बच्चों। अब वैसे ही हम निकालते हैं भूमिका का भाग, तो भूमिका को कितना नहीं मिलेगा, देखो भूमिका को मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे, भूमिका का भाग है 4, यानी 4/9 गुना 36। तो इनको जब हम काटेंगे तो 9 चौके 36 पे कट जाएगा ये 4 पे, और 4 गुना 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा आपका आंसर। भूमिका का भाग कितना आएगा, 16। तो ये दोनों आपके आंसर हैं बच्चों, ये दोनों क्या हैं, आंसर हैं। 20 रुपये श्रेया को मिलेंगे और भूमिका को मिलेंगे 16 रुपये बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब हम।
आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष कह रहा है ऐसे में, और इसके पुत्र की आयु जो है 14 वर्ष है। ठीक है, 42 वर्ष है पिता की आयु, 14 वर्ष है पुत्र की आयु। तो ए पार्ट में ये क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है हमने। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो है हमारे पास अनुपात आ गया 42 है और 14 है, 42 अनुपात 14। तो 42 और 14 जो दोनों 14 के पहाड़े में आते हैं, तो 14 तीय 42 होते हैं, 14 एकम 14 होते हैं। तो 3:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो हमारे पास ए पार्ट है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि पिता की आयु जो है, पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना जब पुत्र 12 साल का है। तो अब पुत्र है 14 साल का, तो 2 साल पहले था वो 12 साल का। तो 2 साल पहले अगर पुत्र 12 साल का था तो उसका पिता भी 40 साल का था, यानी 2 साल कम था। अब 42 का है ना जैसे, तो 2 साल पहले वो 40 का था। तो 40 और 12 का हमने अनुपात निकालना है बच्चों। तो ये हमारे पास 4 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 4 10 40 होते हैं और 4 3 12 होते हैं। तो 10:3 जो है ये अनुपात आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और डी सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों। अब 42 साल है और 10 साल के बाद 10 साल और जुट जाएंगे, उसमें 52 साल हो जाएगी पिता की आयु। ठीक है, और पुत्र की आयु भी 14 से 10 साल बाद 24 साल की हो जाएगी। तो जब 52 और 24 का अनुपात हम निकालेंगे तो ये दोनों 4 से भाग हो जाते हैं बच्चों। तो 52 को 4 से भाग देके 13 आ जाएगा, 13 चौके 52 होते हैं और 6 चौके 24 होते हैं, 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 आंसर आपके हैं, 3:1 है, 10:3 है, 13:6 है बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।